लोगों को जैसे पिछली कक्षाओं में भारत के द्वीप के बारे में बताया था, इंट्रोडक्शन क्लास था, हम उसमें मौखिक ही आपको बताए थे। आज हम आपको बोर्ड पे उसका मैप बना के और उस द्वीपों के बारे में लिख के समझाएंगे। आप लोग अपना मैप खोल लीजिए और देखिए उसमें जहाँ जो हम बता रहे हैं, क्योंकि बिना मैप का ज्योग्राफी समझना इम्पॉसिबल है, जो आप समझ ही नहीं सकते हैं। जब तक आपके दिमाग में मैप में आपके दिमाग में मैप होना चाहिए। जब हम आपको बोले अंडमान निकोबार द्वीप, तो आपके दिमाग में आना चाहिए अंडमान निकोबार द्वीप कहाँ है। हम बोले लक्षद्वीप, तो आपको आना चाहिए जो अरब सागर में लक्षद्वीप है, किधर पड़ता है, नहीं पड़ता है। आप ऐसे कॉपी कलम पे लिखते लिखते थक जाइएगा, लेकिन आपको ज्योग्राफी का ज्ञान नहीं होगा जब तक आपको मैप का ज्ञान ना हो। इसलिए आपको मस्ट है, सबसे पहले मैप का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने बताया था आपको, जो हम अंडमान निकोबार द्वीप के बारे में बताएंगे और लक्षद्वीप के बारे में बताएंगे, भारत का जो अलग अलग द्वीप है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप को मरकज द्वीप भी कहा जाता है। अंडमान निकोबार दो द्वीप श्रृंखला है, जो जैसा बताए थे आपको, जो हिमालय जब दक्षिण की ओर मुड़ा है और बंगाल की खाड़ी में प्रवेश किया है, तब कहीं कहीं हिमालय का स्वरूप दिखता है, जिसको हम अंडमान निकोबार द्वीप कहते हैं या अंडमान निकोबार द्वीप के नाम से जानते हैं। सबसे उत्तर में, अंडमान निकोबार द्वीप के सबसे उत्तर में, मतलब अंडमान निकोबार के द्वीप के उत्तर में, कोको स्टेट के उत्तर में, जो म्यांमार के सीमा में पड़ता है, उसका नाम कोको द्वीप समूह है। ये म्यांमार के अधिकार में है, कोको द्वीप समूह। उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप को अलग करता है कोको स्ट्रेट द्वीप। कोको स्ट्रेट लाइन जो है वो म्यांमार के द्वीप कोको द्वीप को अंडमान निकोबार द्वीप से अलग करता है। अब हम स्टार्ट करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप जो है उसके सबसे उत्तर में लैंडफॉल द्वीप है। क्या है सबसे उत्तर में? लैंडफॉल द्वीप, जिसपे जीव जंतु की घनी आबादी है, वृक्ष हैं, जीव जंतु हैं, जो जलीय जीव होते हैं बहुत ज्यादा वहां पाए जाते हैं, जीव जंतु की घनी आबादी है लैंडफॉल द्वीप पे। उसके बाद उत्तरी अंडमान निकोबार द्वीप है, जो उत्तर में है, उत्तरी अंडमान निकोबार द्वीप। इसके ठीक उत्तर पूर्व में, आप देख रहे हैं ये छोटा सा मैप, इसे नारकोंडम द्वीप कहते हैं। नारकोंडम द्वीप पहले ज्वालामुखी उद्भेदन करता था, लेकिन अब वो सुसुप्त पर गया है, मतलब अब उद्भेदन नहीं करता है। लेकिन नारकोंडम द्वीप पहले ज्वालामुखी था, अब सुसुप्त ज्वालामुखी है। इसके उत्तरी अंडमान पे ही सैडल पीक ऊंचाई चोटी है, सैडल पीक ऊंची चोटी है, जो द्वीप पे अंडमान निकोबार द्वीप पे, अंडमान निकोबार द्वीप पे सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 738 मीटर है। उसके बाद आप आ जाइए, है तो बहुत सारे द्वीप, लेकिन हम जो मुख्य द्वीप है अंडमान निकोबार में वो हम आपको बताएंगे। वैसे तो बहुत सारे द्वीप हैं। उसके बाद है मध्य अंडमान, मध्य अंडमान, ये जो आप मैप देख रहे हैं ये है मध्य अंडमान। ये सबसे बड़ा द्वीप है पूरे भारत में, जितना भी द्वीप है सबसे बड़ा द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप है। उसमें भी बड़ा मध्य अंडमान जो है, उसका स्थान जो है वो द्वीपों में सबसे बड़ा है। ये तो एक श्रृंखला है अंडमान निकोबार द्वीप, लेकिन इसमें जो द्वीप है मध्य अंडमान ये बड़ा है। मध्य अंडमान के ठीक उत्तर पूर्व में, जैसा हमने बताया उत्तरी अंडमान के उत्तर पूर्व में, वैसा ही मध्य अंडमान के उत्तर पूर्व में बैरन द्वीप है, जो अभी भी ज्वाला उद्भेदन करता है, जैसे हम लोग जानते हैं भारत जो है वो एशिया के दक्षिण में पड़ता है, और भारत ही नहीं पूरे दक्षिण एशिया में, मात्र एक बैरन द्वीप है जो अभी भी ज्वाला उद्भेदन करता है। इसलिए हम इसे दक्षिण एशिया का ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं, बैरन द्वीप। उसके बाद और छोटे छोटे द्वीप हैं। उसके बाद एक मुख्य द्वीप है दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान जैसा आप जानते हैं अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। क्या है? दक्षिणी अंडमान से जो अवस्थित है पोर्ट ब्लेयर, वो पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह श्रृंखला का राजधानी है, जो दक्षिणी अंडमान पे अवस्थित है। उसके बाद इसको दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है, उसका नाम है डक्कन दर्रा। क्या नाम है? दक्षिणी अंडमान को जो लिटिल अंडमान से अलग करता है उसका नाम डक्कन दर्रा है। जो लिटिल अंडमान, या इसी को हम लघु अंडमान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिटिल अंडमान या लघु अंडमान। इसके बाद लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। अब हम आ गए हैं अंडमान, ये हो गया, नीचे है
अंडमान और निकोबार, मतलब निकोबार अब हम पढ़ेंगे, दक्षिण में अंडमान के दक्षिण में निकोबार द्वीप पड़ता है। अंडमान को निकोबार से जो अलग करता है उसको हम 10 डिग्री चैनल कहते हैं। 10 डिग्री चैनल मतलब क्या हुआ, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश हुआ वही हुआ 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री अक्षांश इधर यहाँ से गुजरता है जो लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप को अलग करता है, उसको हम 10 डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं। और इसमें भी बहुत सारे द्वीप हैं लेकिन हमको मुख्यतः पढ़ना है। जैसे पढ़ना है, आप जानते हैं भारत का मुख्य भूमि को छोड़ के जो भारत का अवस्थिति है मतलब विस्तार है, दक्षिण में इंदिरा पॉइंट तक है। कहाँ है, दक्षिण में इंदिरा पॉइंट तक, जैसे हम बताए थे आपको दक्षिण में इंदिरा पॉइंट, दक्षिण में इंदिरा पॉइंट तक है। ग्रेट निकोबार द्वीप पे इंदिरा पॉइंट पड़ता है, कहाँ पड़ता है, ग्रेट निकोबार द्वीप पे। और इसके ठीक ऊपर लिटिल निकोबार है, ग्रेट निकोबार के ग्रेट निकोबार पे ही इंदिरा पॉइंट पड़ता है, जो भारत के मुख्य भूमि के अलावा जो भूमि है भारत का दक्षिणम बिंदु जो है उसे हम इंदिरा पॉइंट जो कहते हैं वो ग्रेट निकोबार द्वीप पे ही है। क्या आप अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के नाम को क्या कहते हैं, एक दूसरा नाम उसका मरकत द्वीप। ठीक, अब हम आपको बताएंगे लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप जो है वो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है जो अरब सागर में पड़ता है। ये इसे प्रवाल द्वीप के नाम से भी जानते हैं। प्रवाल द्वीप मतलब जो प्रवालों के द्वारा निर्मित किया गया हो। प्रवाल मतलब हुआ समुद्री जीव, जीव एक होता है प्रवाल, जो अपना करोड़ों लाखों वर्ष में के घटना में परस्पर वो अपना घर बनाते रहता है, एक घर के ऊपर दूसरा घर, एक घर के ऊपर दूसरा घर, एक घर के ऊपर दूसरा घर, और वो छिछले पानी में बनाता है मतलब कम पानी में, और गर्म जल होना चाहिए प्रवालों के निवास के लिए, गर्म जल और छिछला पानी होना चाहिए। ये अरब सागर है, इसमें प्रवाल वो अपना घर बनाते हैं जो चूने पत्थर का होता है। चूने पत्थर के होने के कारण मजबूत होता है, वो अपना ऐसे घर बनाते हैं। लाखों करोड़ों वर्ष का क्रिया है, ऐसा नहीं है जो 1000-2000 वर्ष में उसका मतलब घर तो निरंतर बनते रहता है लेकिन द्वीप का निर्माण हो गया ऐसा नहीं है। जैसे ये घर निर्माण हुआ फिर उसके ऊपर ऐसे करते 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 छिछले पानी में बनाने के कारण एक समय ऐसा आता है जो वो पानी से ऊपर की ओर सतह में दिखने लगता है, जिसके बाद इसमें प्रवाल रहना बंद कर देते हैं। निरंतर क्रिया होने के बाद लाखों करोड़ों वर्ष में ये जब द्वीप का निर्माण होता है ऊपर जब भूमि ये दिखने लगता है तो इस पर प्रवाल रहना बंद कर देते हैं, तब ये द्वीपों का निर्माण मतलब द्वीप बन जाता है जो कि बहुत ठोस होता है, चूने पत्थर का होता है। इस पर फिर आदमी अपना निवास करने लगता है। इसी द्वीप को हम जो अरब सागर में पड़ता है इसको हम लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं, प्रवालों के द्वारा निर्मित है। इसकी जो राजधानी है वो कवारती है, और इस द्वीप को तैराकी के लिए बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तैराकी के लिए ये बहुत ही चर्चित है, तैराकी जितना भी प्रतियोगिता होता है या तैराकी करने के लिए पर्यटक स्थल के रूप में माना जाता है। और इसमें ये जो छोटे छोटे गैप होते हैं, छोटे छोटे गैप, इसमें छोटे मछली का निवास स्थान माना जाता है। रंगीन मछली जो कभी कभी आप टीवी में या फिर ब्लू फिल्म देखे होंगे संजय दत्त का, उसमें जो छोटे मछली का सीन दिखाया गया है वो यही है, वही द्वीप के बारे में दिखाया गया है जिसमें छोटे मछली का निवास स्थान मतलब मछली फार्म इसे कहा जाता है। मतलब बड़ी मछली इसका शिकार नहीं कर पाते हैं इसलिए इसे मछली का घर या फिर तैराकी के लिए प्रमुख है, इसलिए तैराकी के लिए भी माना जाता है। इसे लक्षद्वीप या प्रवाल द्वीप के नाम से हम जानते हैं जो अरब सागर में इसका विस्तृत है। इसकी राजधानी कवारती है, और इसको आठ इसका ही एक 9 डिग्री से मिनिकाय द्वीप से अलग होता है। 9 डिग्री से मिनिकाय द्वीप से लक्षद्वीप अलग होता है। 9 डिग्री मतलब अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा जो 9 डिग्री है उसको ही हम 9 डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं, जो मिनिकाय द्वीप को लक्षद्वीप से अलग करता है। और मालदीप जो है वो मिनिकाय और मालदीप को 8 डिग्री चैनल अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मतलब 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश, वो मिनिकाय को मालदीप से अलग करता है और मिनिकाय को लक्षद्वीप से 9 डिग्री चैनल अलग करता है। तो हम आपको आज लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के बारे में बताएं। तो हमसे जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, और हम लोग के आत्मबल को बढ़ाते रहिए। हम लोग आपके लिए हर एक सब्जेक्ट लेकर आएंगे।